एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर के रख देगी, एक ऐसी पत्नी की जो कि पति के प्रति उसका समर्पण काबिले तारीफ था, और एक ऐसा गद्दार पति जो कि अपनी पत्नी को उबाल देता है कड़ाही में। ये घटना है कराची से। दोस्तों, ये घटना ऐसी है जो कि इंसानियत पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। हम देश विदेश कहीं भी रहें, लेकिन हमारे जो फीलिंग्स है वो कभी नहीं बदल सकते। लेकिन इस घटना ने पूरे पाकिस्तान को, क्या पूरे हिंदुस्तान को, और जो भी इस घटना को सुनता है उसको रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं मुकेश सिन्हा आपके सामने अपनी सनसनीखेज नई स्टोरी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं इस स्टोरी को, जो कि एक आसिक हुसैन नाम के शख्स से स्टार्ट होती है, जो कि कराची के एक कस्बाई एरिया में रहता है। उसकी एक पत्नी है नरगिस, उसके 6 बच्चे हैं, और वो छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करता रहता है। और वो रहता है एक ऐसे जगह पे जहाँ पे एक स्कूल है, और स्कूल जो है पिछले 9 महीनों से बंद है। इसलिए बंद है कि वो थोड़ा अल्टर पड़ता है, और वहाँ पे किसी आने जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं था, तो उस स्कूल को बंद कर दिया जाता है। उसी स्कूल की देखरेख के लिए ये आसिक हुसैन वहाँ पे है अपने फैमिली के साथ, और वहाँ पे गेस्ट रूम में अपने फैमिली के साथ रहता है 6 बच्चों के साथ। घटना स्टार्ट होती है 13 अप्रैल 2022, रात के 3 बजे हैं, या सुबह के 3 बजे बोल सकते हैं। उसकी बड़ी बच्ची जो कि 15 साल की है, अचानक से उसकी नींद खुलती है, देखती है कि कहीं से शोरगुल आ रही है। दौड़ के बाहर निकलती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, तो उसे उसके अब्बू के कमरे से आवाज़ आती दिखती है। धीरे धीरे वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि अब्बू और अम्मी में ज़बरदस्त झगड़ा हो रहा है, और खिड़की के पास से जाके देखती है तो देखती है कि अब्बू अम्मी के मुंह को पूरी तरह से दबा के उनको मारे जा रहे हैं। कुछ देर तक दबाए जाने के बाद विरोध करते करते नरगिस की मृत्यु हो जाती है। लड़की ये देख के सन्न रह जाती है, और कुछ भी सोचे उससे पहले वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाती है। बेहोश होकर गिरने के बाद 2 घंटे के बाद उसे होश आता है, तो उसे लगता है कि ये दुस्वप्न था, जो उसने देखा था वो दुस्वप्न था, लेकिन हकीकत में उसने ऐसा देखा था। भागे भागे जाती है, देखती है खिड़की में तो वहाँ पे कोई नहीं रहता है। पूरे स्कूल को कवर करती है, चारों तरफ देख लेती है, ना उसके अब्बू दिखते हैं ना अम्मी की लाश। एक जगह खड़े होके ऐसे ही खड़ी रहती है कि अब तो मैंने चारों तरफ देख लिया, अब तो कहाँ है अम्मी और अब्बू। तो एक कैंटीन है, कैंटीन के दरवाजे के पास आके रुकती है, और सोचती है कि चलो मैं इसमें भी देख लूँ। जाती है, देखती है, तो उसको विश्वास नहीं हो सकता है कि इंसान ऐसा भी कर सकता है। एक कैंटीन में बहुत बड़ी भट्टी जल रही होती है, उस पर एक बहुत बड़ा कड़ाहा है, और उस कड़ाही में देखती है कि किसी का पैर लटक रहा है। सोचिए उस बच्ची पे क्या गुजरी हो। कुछ देर देखते देखते उसको पता चल जाता है कि उसमें उसकी माँ को उबाला जा रहा है, और उबालने वाला कौन है तो उसका अपना पिता। देखते देखते ये घटना उसके दिमाग पे इतनी कौन जाती है कि वो एकदम काटो तो खून नहीं वाली सिचुएशन में आ जाती है। तब तक उसे पिता देख लेता है। देखने के बाद लड़की तो अब सोचती है कि अब मुझे भाग जाना चाहिए यहाँ से, और तब तक सुबह भी हो चुकी है। लड़की भागे भागे जाती है जहाँ कुछ लोग रहते हैं, वहाँ जाके ये वारदात बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, और
लोग भी सन्न हो जाते हैं, लोग भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और लोग कोई आने के लिए वहाँ तैयार नहीं होता कि बाप रे इतनी बड़ी वारदात हुई है, कैसा इंसान रहा होगा। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है, तत्काल सलीम नाम का पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं और वो वहाँ पे जाके देखा जाता है उस जगह पे, तो वहाँ पे आसिक हुसैन नहीं दिखता है। आसिक हुसैन तब तक अपने तीन बच्चों को लेके फरार हो चुका होता है। पुलिस तब भी अभी शक के दायरे में है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। देखा जाता है कि उस कड़ाहे में एक औरत की लाश को उबाल दिया गया है और पैर को काट के दूसरी तरफ फेंक दिया गया है, इसलिए कि उसमें कड़ाही में वो पूरी तरह से नरगिस आ नहीं पा रही होगी, इसलिए पैर को काट के दूसरी तरफ फेंक दिया गया है। कड़ाही में से लाश को निकालते समय हाथ से जब निकाला जाता तो हाथ इतना नर्म हो चुका था सारा शरीर कि हाथ टूट के निकल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके भी खड़े हो रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो तो भाग चुका है आसिक हुसैन। पुलिस पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर देती है, लेकिन कहीं से आसिक हुसैन को पाया नहीं जा सका अभी तक के घटना के अनुसार। तब तक पुलिस क्या करती है, पुलिस को ये संदेह होता है कि कहीं ना कहीं आसिक हुसैन इसी एरिया में होगा, लेकिन वो चकमा देकर उस एरिया से बाहर निकल गया होता रहता है और उसका कुछ भी अता पता नहीं रहता। पुलिस पदाधिकारी वहाँ पे आते हैं, कैंप करते हैं और उन्हें इस बात का पता तो नहीं चल पाया है कि आखिर इस लाश का वो पका के क्या करने वाला था, क्या खाने वाला था या कुछ और करने वाला था। केस के छानबीन में पता चलता है कि इसके पीछे वजह क्या रही थी। वजह ये थी कि नरगिस एक अच्छी औरत थी और वो अपने आप को किसी गैर मर्द के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहती थी, जबकि उसका पति निहायत ही गिरे दर्जे का इंसान था और वो अपने रोज़ नए नए मित्रों को लेके आता था और उसके साथ बोलता था कि शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए। लेकिन नरगिस ने मरना कबूल किया, बोली कि मैं अपनी आबरू को किसी और के हाथों में नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों न देना पड़े। ऐसा होता भी है पूरी कहानी में, आपने देख लिया स्टोरी में कि ये कहानी कितनी निर्दयता से किसी की हत्या, वो भी अपनी पत्नी की या किसी इंसान की, लोग कैसे कर सकते हैं, क्या राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है, क्या लोगों को क्राइम या दिमाग में इतनी निगेटिविटी आ जाती है कि लोग इतनी हद तक गिर जाते हैं ऐसे क्राइम करने के लिए कि रूह कांप जाए, या उस समय उस इंसान के जहन में इंसानियत या अच्छाई होती ही नहीं है। ये गौर करने वाली बात है और ये सोचने वाली बात है। लोगों ने भी, यहाँ तक कि साइकेट्रिस्टों ने भी अभी तक इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाया है कि आखिर ऐसा क्या होता है ऐसे लोगों के जो इतने बड़े घृणित क्राइम कर देते हैं, जिस पे विश्वास करना तो दूर, जिस पे सोचा भी नहीं जा सकता है। तो दूर देश की ये कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देती है। मैं फिर से यही बोलूँगा कि मेरे स्टोरीज़ का कोई भी उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है, किसी को गलतफहमी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरा उद्देश्य यह है कि आप जागृत रहें, सोचते रहें, सतर्क रहें और अपने आप को हमेशा एक अच्छे इंसान के रूप में रखें। गलतियां होती रहती हैं, गलतियां को माफ़ करना सीखें। और अंत में बस यही है कि ऊपर वाले का जो ब्रह्मास्त्र है ना, उसका अंत नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।